हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2024 का केमिस्ट्री का, उसके आंसर की चेक करेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पतली परत क्रोमैटोग्राफी किस सिद्धांत पर अधिशोषण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिशोषण सिद्धांत पर, एडोर्प्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आरएफ की इकाई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द्रव क्रोमैटोग्राफी में दोनों द्रव होने चाहिए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, परस्पर एविलय, इमिसिबल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सूत्र दिया गया है हमें, तो इसमें दो विलायकों एक और दो क्रमशः विलय की सांद्रता है, तो इसे कहते हैं, इस सूत्र को क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला है जो, तो इसे कहते हैं हम नर्नेस्ट का वितरण नियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थायी एवं गतिशील प्रावस्था है क्रमशः? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड फेज जो होगी वो। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पाई बंध में, पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक द्विपरमाणु अणु के स्पेक्ट्रम में निम्न रेखाएं मिलती हैं, तो रेखा ये दी गई हुई हैं और सेंटीमीटर इन्वर्स में इस अणु के लिए स्थिरांक बी का मान क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 118 सेंटीमीटर इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर एट है, कम आवृत्ति की ओर प्राप्त होने वाली रमन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टोक्स रेखाएं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 229। क्वेश्चन नंबर टेन है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र जो है वो है 500 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 120 मेगाहर्ट्ज़ वाले उपकरण में पीक के लिए डेल्टा का मान क्या होगा? यदि 60 मेगाहर्ट्ज़ उपकरण वाले उपकरण में इसका मान 162 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसका आंसर मुझे श्योर नहीं है पूरी तरह से। अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और को भी पता लग जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्य क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू 2 के लिए l का मान l के मान क्या होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 व 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, px कक्षक के में नोडल तल की संख्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन जिनकी पहचान क्वांटम संख्या n व l, तो ये दिए गए हैं हमें, को बढ़ती ऊर्जा के क्रम में कम से अधिक ऊर्जा की ओर निम्न प्रकार रखते हैं, तो इनको बढ़ती ऊर्जा के क्रम में किस प्रकार से रखा जाएगा ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा हमारा फोर्थ वाला, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, एंड उसके बाद आएगा थर्ड, और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पहले 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s और फिर 4d। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय क्वांटम संख्या दिखाती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या शो करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कक्षक का त्रिविमीय में अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हुंड का नियम है, उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डी ब्रोगली समीकरण है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आफबाऊ के सिद्धांत का पालन नहीं करता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर व क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 21 है, पी कक्षक की आकृति है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, डंबल बेल आकृति। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 है, एफ उपकक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉपर तत्व और इसकी एटॉमिक नंबर है 29 में डी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्विगंशी क्वांटम संख्या निम्न में से किसको व्यक्त करती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कक्षक की आकृति को। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन प्लस वन किसी नियम का हिस्सा है? किस नियम का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आफबाऊ का नियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने सफलतापूर्वक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस अणु कक्षक की ऊर्जा अधिकतम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखने का संक्षिप्त तरीका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आवृत्ति गति तरंग संख्या के बीच संबंध है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किरचॉफ नियम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लैक बॉडी के तापीय संतुलन की स्थिति में एमसीवीटी मान है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लांक स्थिरांक का मान है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, फोटोविद्युत प्रभाव निम्न में से किन तत्वों में हो सकता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, निम्न आयनीकरण ऊर्जा के तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऊष्मा धारिता के अनुपात को आर से व्यक्त करते हैं तो आर का सही मान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इलेक्ट्रॉन की कंपटन तरंग दैर्ध्य है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, समीकरण को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली समीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक 640 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा होगी? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, बॉन्डिंग अणु कक्षक परमाणु कक्षक से निम्न द्वारा बनता है? इसका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 41 है, पराबैंगनी क्षेत्र की मीटर में तरंग दैर्ध्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का सही क्रम है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चैन नियम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसकी ओर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, पराबैंगनी दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज होती है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 400 से 800 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो अभी छोड़ दिया है क्योंकि इसका आंसर जो है वो श्योर नहीं हो पा रहा है। इसका आंसर वैसे सी हो सकता है 50%, और अगर किसी को आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किस क्षेत्र में करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दृश्यमान विजिबल रीजन में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस यौगिक का इमिसिटिव का मान अधिकतम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेफ्थासीन का। क्वेश्चन नंबर 50 है, एन से पाई स्टार अवशोषण निम्न में से अदृश्य हो जाते हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अम्लीय माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा संक्रमण अधिक ऊर्जा का संक्रमण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को निम्न के लिए आवृत्ति को क्रम में व्यवस्थित करिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से गलत युग्मन को चुनिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है, IR सक्रिय अणु है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए HCl। क्वेश्चन नंबर 55 है, अम्लीकरण का एक ऑक्सोक्रोमिक शिफ्ट का कारण बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल। क्वेश्चन नंबर 56 है, C3H6O अणु सूत्र के यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम में पीक 3600 सेंटीमीटर इनवर्स व 1020 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में मिलती है, यौगिक की संरचना है? तो इसकी संरचना हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, IR स्पेक्ट्रम में 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक प्रबल सिग्नल किस समूह की उपस्थिति को व्यक्त करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 58 है, IR स्पेक्ट्रम में क्रियात्मक समूह क्षेत्र मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 59 है, एल्कीन में CH की दोलन आवृत्ति मिलती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 है के लिए रिड्यूस्ड द्रव्यमान किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो इसका फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वाधिक डाउनफील्ड सिग्नल किसके लिए प्रेक्षित होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, आवृत्ति H0 व R के मध्य NMR में संबंध का सूत्र है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, इस यौगिक में कितने NMR सिग्नल मिलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 64 है, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, NMR स्पेक्ट्रम में यदि प्रोटॉन की संख्या 3 है उनकी तीव्रता का अनुपात होगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, यौगिक में सिग्नल का विभाजन व पीक की तीव्रता होगी? तो इस यौगिक में बताना है सिग्नल का विभाजन और पीक की तीव्रता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंगलेट शून्य। क्वेश्चन नंबर 67 है, TMS पीक के लिए डेल्टा का मान होगा? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 0।
क्वेश्चन नंबर 68 है, जैमिनल युग्मन में एनएमआर युग्मन स्थिरांक जे का मान होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मान जो होगा वो 20 से 40 हर्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एफटीआईआर का पूरा स्वरूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखनी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 70 है, टाओ का मान है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, टीएमएस का रासायनिक सूत्र होता है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति में द्रव्यमान आवेश अनुपात को किस सूत्र से व्यक्त करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कम ऊर्जा पर मीथेन के विच्छेदन से बनता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, सतत निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है जबकि वितरण अनुपात है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक्रिय विलायक द्वारा स्पीसीज का पृथक्करण होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्रुवीय स्पीसीज का। तो हमने पूरे 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। सो थैंक फॉर वॉचिंग।